ग्रामीण विकास पंचायती राज ग्रामीण विकास पंचायती राज कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बीडीओ कार्यालय नदौन के परिसर में लगभग 23 लाख रुपए की लागत से बने पंचायत समिति हॉल एवं खंड स्तरीय संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने नदौन में भी लगभग 50 लाख की लागत से बने उपमंडलीय पशु चिकित्सालय भवन और गांव भदरोल में करीब 18.5 लाख से बने पशु औषधालय भवन की आधारशिला रखी। बीडीओ कार्यालय परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ये हाल के निर्माण से पंचायत समिति के विभिन्न कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। उन्होंने इसी परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों के आवास के लिए 30 लाख और चेयरमैन रूम के लिए 12 लाख का प्रावधान करने की घोषणा भी की। भदरोल में जनसभा को संबोधित करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश की रक्षा और इसके संवर्धन के लिए कृत संकल्प है और राज्य के हर जिला में गौ अभयारण्य स्थापित किए जा रहे हैं। इससे किसानों को बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में भारी भरकम बजट आवंटित कर रही है। युवा पीढ़ी को इन क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संकट काल में आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया है तथा अपनी आम जरूरतों की वस्तुएं स्थानीय स्तर पर ही तैयार करने की अपील की है। इस दिशा में महिला स्वयं सहायता समूह बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इन समूह के उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए प्रदेश सरकार हर जिला में विशेष व्यवस्था बनाएगी तथा इन उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने क्षेत्र में खेल मैदान के लिए 5 लाख रुपए देने की प्रावधान की घोषणा भी की। आज यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा परिवर्तन जहाँ ग्रामीण विकास विभाग के अंदर हम लेकर के आए हैं, वही हमने पशुपालन विभाग के अंदर भी, क्योंकि ये सारे विभाग जो है ये गांव गरीब किसान से जुड़े हुए विभाग है। और आज मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि आपके प्यार और स्नेह के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो कृषि विभाग को भी जो है वो साथ में जुड़ा है और ये विभाग का पूरा विभाग हो गया। अब मैंने कहा है कि अब हमको अगर गांव के अंदर जाना है तो हमको एक विभाग अकेला नहीं जाएगा, चार विभाग जो है वो साथ में जाएंगे। हम एक कुछ सक्सेसफुल मॉडल जो है वो गांव के अंदर खड़े करेंगे। हमारा गांव आत्मनिर्भर गांव बने। मोदी जी ने जो कहा है कि हमको लोकल को वोकल करना है, हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर भारत गांव से बनेगा। जब गांव आत्मनिर्भर जो है वो बनेंगे तो ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। मेरे गांव के अंदर जो है वो एक आधारभूत ढांचा हमको खड़ा करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 वित्तियों के माध्यम से 15 वित्तियों के माध्यम से बहुत सारा धन सीधे तौर पर जो है वो ग्राम पंचायतों को दे रहे हैं। हमारे पास मनरेगा के पास आधा पैसा है। जब मैंने विभाग संभाला तो मात्र 400 करोड़ में हम एक वर्ष के अंदर खर्च करते थे, लेकिन हम 2018-19-20 हम पहुंचते 950 करोड़ तक हम पहुंच गए। और हमारा देश प्रदेश भी जो है वो इससे अछूता नहीं रहा। एक बहुत बड़ा प्रयास केंद्र की सरकार ने किया, मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है। पूरे देश के अंदर जहां लॉकडाउन की स्थिति लंबे समय तक रही और फिर प्रदेश के अंदर भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक बहुत साहसिक कार्य जो है इस कोरोना कार्यकाल में किया। मैं धन्यवाद करता हूं इस देश की प्रदेश की जनता का कि जिन्होंने ऐसे संकट के समय में तन मन धन के साथ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके आह्वान के ऊपर जो है वो पूरा सहयोग जो है वो उन्होंने किया। लेकिन लगता है कि
अब लंबे समय तक जो है वो हमको इसके साथ चलना पड़ेगा, हमको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा और उसके लिए जो है वो हम पूरी तरह से जो है वो तैयार है। और आज मैं ये देख रहा था कि धन्यवाद करता हूं श्री डोगरा जी का कि उन्होंने पूरी तरह एक डिस्टेंसिंग का जो है वो आपने ध्यान रखा कि दो गज की दूरी जो है वो होनी चाहिए, ज्यादा भीड़ भड़ाका जो है वो नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है कि अभी लंबे समय तक हम जो है वो लॉकडाउन में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी जो है वो बचाना है, हमको सामाजिक राजनीतिक कार्य भी जो है वो साथ में जो है वो करने हैं, क्योंकि इसके कारण जो है वो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा नुकसान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत में हमें बहुत बड़ा पैकेज दिया है, यहां हिमाचल प्रदेश के अंदर हर जिला के अंदर आज अलग अलग क्रॉप्स होती है। और मैं कल ही जो है वो विभागीय बैठक में पूरे प्रदेश के डायरेक्टर्स डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की है, और उसमें मैंने ये कहा है कि हमारा प्रदेश जो है ये बहुत बढ़िया जो है वो वातावरण यहाँ का है, यहाँ का ठंडा ठंडा अपना ये क्लाइमेट है, ये कोल्ड क्लाइमेट है, इसको मॉडर्न क्लाइमेट हम कह सकते हैं, और यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो वास्तव में ऑर्गेनिक होती है, वो प्राकृतिक रूप से होती है। अगर हम अपना पानी में देखें तो वहां का जीरा, कांगड़ा का लाल चावल, जो उस तरह से ऊना के अंदर जो है वो यहाँ पर आलू होता है, यहाँ पर हमीरपुर में जो है वो हल्दी और मक्की की फसल होती है, मटर और टमाटर होते हैं। हम पंजाब के साथ जो अपनी खेती का मुकाबला नहीं कर सकते, पंजाब में जो है वो लाखों बीघा अपना सैकड़ों बीघा जमीन किसान के पास है, लेकिन हमारे पास उतनी जमीन नहीं है। हम क्वालिटी के ऊपर जाएंगे, हम क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाएंगे। और हम आज अगर मेरा विभाग जो है वो ज्यादा सीड जो है वो बाहर से लाता है, मैंने पूछा कि कितना बीज जो है वो यहाँ पर पैदा होता है, मैंने 25% होता है, मैंने कहा बाकी बीज कहाँ से आता है, उन्होंने कहा बाकी बीज जो है वो बाहरी प्रदेशों से आता है, मैंने कहा वो बीज बाहरी प्रदेश नहीं उगाएंगे, हम सीड जो है वो बीज जो है वो हिमाचल प्रदेश है उसका उत्पादन करेगा, और अगले वर्ष तक हम 25 नहीं हम 50% तक पहुंचेंगे, और अगले 2 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश सीड भेजेगा नहीं, सीड जो है वो खरीदेगा नहीं, बीज खरीदेगा नहीं, हम सीड बेचने वाले प्रदेश के रूप में जो है वो हिमाचल प्रदेश की पहचान बनाएंगे, हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है उसके अनुसार हम यहाँ पर सीड पैदा करेंगे, ताकि किसानों की आय को जो है वो हम दुगना कर सके। आज यहाँ मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन जहाँ ग्रामीण विकास विभाग के अंदर हम लेकर के आए हैं, वही हमने पशुपालन विभाग के अंदर भी, क्योंकि ये सारे विभाग जो है ये गांव गरीब किसान से जुड़े हुए विभाग है, और आज मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि आपके प्यार और स्नेह के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो कृषि विभाग को भी जो है वो साथ में जुड़ा है, और ये विभाग अब पूरा विभाग हो गया। अब मैंने कहा है कि अब हमको अगर गांव के अंदर जाना है तो हमको एक विभाग अकेला नहीं जाएगा, 4 विभाग जो है वो साथ में जाएंगे, हम एक तो कुछ सक्सेसफुल मॉडल जो है वो गांव के अंदर खड़े करेंगे, हमारा गांव आत्मनिर्भर गांव बने। मोदी जी ने जो कहा है कि हमको लोकल को वोकल करना है, हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर भारत गांव से बनेगा, जब गांव आत्मनिर्भर जो है वो बनेंगे तो ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। मेरे गांव के अंदर जो है वो एक आधारभूत ढांचा हमको खड़ा करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 वित्तियों के माध्यम से 15 वित्तियों के माध्यम से बहुत सारा धन सीधे तौर पर जो है वो ग्राम पंचायतों को दे रहे हैं, हमारे पास मनरेगा के पास आधा पैसा है, जब मैंने विभाग संभाला तो मात्र 400 करोड़ में हम 1 वर्ष के अंदर खर्च करते थे, लेकिन हम 2018-19 हम पहुंचते पहुंचते 950 करोड़ तक जो पहुंच गए,
और इस पर तो आत्मनिर्भर भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय में ये कहा कि गांव के अंदर स्वरोजगार हमको देना है, नरेगा के अंदर 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने की।